मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गुरुवार को आयोजित चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दीक्षांत समारोह में इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति भी शामिल हुए। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में विशेष रूप से प्राइमरी स्कूलों के बच्चे भी दीक्षांत समारोह के गवाह बने। दीक्षांत समारोह में बच्चों को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित नजर आ रहे थे। मदन मोहन मालवीय दीक्षांत समारोह में आयोजित दीक्षांत समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ये स्कूली बच्चे मेरे गेस्ट हैं और मेरा मानना है कि बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में बुलाने से उनका बौद्धिक विकास के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय 5-5 और कॉलेज 1-1 गाँव को गोद लें। ऐसा हुआ तो पूरे प्रदेश में उच्च शिक्षा की सूरत बदल जाएगी। आने वाली कार्य परिषद की बैठक में इस पर निर्देश भी दिए जाएंगे। विभिन्न स्कूलों से आए हुए छात्र छात्राएं कुमारी महिमा पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोराबाद गोरखपुर सबको भेजते लाइन से श्री आदित्य पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोराबाद गोरखपुर इधर देखो बाबू श्री सर्वेश पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोराबाद गोरखपुर श्री अजय प्राथमिक विद्यालय जंगल सिकरी गोरखपुर श्री अर्जुन प्राथमिक विद्यालय जंगल सिकरी गोरखपुर कुमारी अंजलि प्राथमिक विद्यालय जंगल सिकरी गोरखपुर प्राथमिक विद्यालय जंगल सिकरी गोरखपुर कुमारी सोनाली पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगल अयोध्या प्रसाद कोराबाद गोरखपुर कुमारी श्वेता पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगल अयोध्या प्रसाद कोराबाद गोरखपुर कुमारी काजल पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगल अयोध्या प्रसाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगल अयोध्या प्रसाद कोराबाद गोरखपुर श्री दुर्गेश पूर्व माध्यमिक कोराबाद गोरखपुर श्री रोशन पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगल अयोध्या प्रसाद कोराबाद गोरखपुर श्री प्रथम सिंह लिटिल फ्लावर स्कूल धर्मपुर गोरखपुर श्री प्रथम सिंह गोरखपुर सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज गोराबाद गोरखपुर कुमारी प्रज्ञा सिंह सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज गोराबाद कुमारी रोशनी कुमारी डायनेमिक स्कॉलर एकेडमी गोरखपुर इसके पीछे भावना है कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आते हैं और ये यूनिवर्सिटी का भवन भी साथ साथ में देखते हैं इधर की लैब वगैरह देखते हैं गार्डन वगैरह देखते हैं और ये हमारे छात्र छात्राओं को दिया जाता है वो भी देखते हैं ये पूरा 2 घंटे का कार्यक्रम ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब देखते हैं तब उसके मन में एक विचार जरूर आता है कि यदि मुझे इस यूनिवर्सिटी में आना है पढ़ना है तो मुझे प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक अच्छी तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी एक अच्छा विचार लेकर इधर से बच्चे जाते हैं
मैंने कभी कभी विचार विमर्श किया है जो बच्चे यूनिवर्सिटी में आते हैं और वो ही बताते थे मुझे कि हम लोगों ने तो कभी कोई स्कूल भी नहीं देखा है, तो यूनिवर्सिटी देखने का अवसर हमें कहाँ मिलता है। और ये बच्चे मुझे ये बताते थे कि हमने ये सब कुछ देखा तो हमारे भीतर ये विचार आया कि हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ अच्छी तरह से पढ़े और आगे बढ़ेंगे तो इस विश्वविद्यालय में हमें जरूर आना होगा और हम आएंगे। एक आत्मविश्वास के साथ ये बच्चे इधर से जाते हैं और जाकर अपने अपने स्कूलों में बताते हैं कि हम कहाँ जाकर आए, क्या देखा, कैसा लगा, क्यों गए थे, इसके पीछे कारण था। और इसीलिए इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पहला दीक्षांत समारोह था। मैंने किसी को कहा था कि भाई मेरी ओर से आपको जो गेस्ट बुलाना है वो जरूर बुलाइए, अतिथि जरूर बुलाइए, लेकिन मेरे अतिथि मेरे गेस्ट अलग हो और ये मेरे गेस्ट हैं, ये मेरे अतिथि हैं। और इसके लिए मैंने कहा था कि अच्छे प्रबंध करिए उसके बैठने के लिए और उसको फ्रूट्स देने के लिए और एक कहानी की बुक देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे इधर जो बच्चे आए हैं और जो इसके साथ टीचर आए हैं, शिक्षक आए हैं, वो जितनी बुक इधर से दी गई है ये अलग अलग बुक है, लेकिन स्कूल के सभी बच्चे वो बुक को अवश्य पढ़े और उसके बारे में अपने यहाँ जो प्रेयर होती है वो प्रेयर में जो कहानी उसने पढ़ी जितनी याद रही वो वहाँ सब बच्चों के सामने कहानी कही, सबके सामने बोले। तो धीरे धीरे करके वो बच्चे आगे आ जाएंगे।